Hi guys, this is Amaya. Welcome back to my channel. आज मेरा background real है, बिल्कुल भी नकली नहीं है आज, क्योंकि मेरा green screen अभी ऊपर पड़ा हुआ है, I mean studio में पड़ा हुआ है. तो आज हम करने वाले हैं fun सा riddle solving, cause मुझे अपने brain को थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, cause बहुत time से फालतू पड़ा हुआ है, तो मैं सोची कि थोड़ा सा मेहनत पे लगाया जाए भेजे को. तो उसके लिए आज हम लेके आए हैं एक न्यू रिडल्स चैलेंज, तो हम रिडल सॉल्व करते हैं. सो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करना आप लोग कितने सॉल्व कर पाए हो मेरे साथ साथ, ये जरूर नीचे बताना, क्योंकि मैं देखूंगी आप लोग और मेरा दिमाग कितना कितना सेम है कि कितना नहीं है. सो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. और गाइस बाल कैसे लग रहे हैं आज? मिट्टी है बाल. नीचे ये भी कमेंट कर दो. ओके गाइस, रिडल्स चालू हो चुके हैं, बस सब देखते हैं कि कितने सॉल्व होते हैं और कितने नहीं होते हैं. रोहन जंगल में फंस जाता है, तेज बारिश होने लगती है, बिजली चमकने लगती है. रोहन को समझ नहीं आता आगे कैसे जाए, तभी आकाशवाणी होती है. रोहन तुम्हारे सामने तीन रास्ते हैं, तीनों रास्तों में से दो रास्तों में बड़े बड़े गड्ढे हैं. इतने बड़े गड्ढे कि तुम बाहर नहीं आ सकते. जब इतने बड़े गड्ढे हैं और दो रास्तों में आए तो तीसरा रास्ता चुनो ऑब्वियसली. बहुत तेज हो रहा है, बट लेट्स सी आगे क्या बोलते हैं भविष्यवाणी वाले आदमी. रास्तों में बनाना लीव जाए तो तुम्हें गड्ढे नहीं दिखेंगे. अब तीनों में से एक रास्ता सही है, दिमाग लगाओ और सोचो कौन सा रास्ता सही है. अच्छा, हे भगवान, तो तीन बेसिकली तीन जगह अपने वो हैं, क्या बोलते हैं, तीनों में पत्ते गिरे पड़े हुए हैं और तीनों में से दो जगह खाई हैं. अब खाई किस जगह पे हो सकती है, किसी भी, तो मेरे को जितना देख के पता चल रहा है एक जगह ऐसे देख के, तो यार कैसे पता चले, नहीं क्यों नहीं, बट एक में जगह पे केला, तो यहाँ पे ए, मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, बी और सी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए सेफ वाला रास्ता. चलिए इसका आंसर देखते हैं. बनाना ट्रीज सिर्फ रास्ते ए में है, मतलब लीव्स यही होनी चाहिए थी. करेक्ट. बी और सी में लीव्स डाले गए हैं, डाले गए, मतलब गड्ढा छुपाने के लिए डाले होंगे, मतलब रास्ता ए सही है. देखा गाइस, ब्रेन देखा, ब्रेन देखा, मेरा ब्रेन, मेरा ब्रेन होगा अंदर इतना ही, पर देखो इतना इतना जोरदार है, क्या बताऊं मैं. क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. ऑब्वियसली बात है ना, जहाँ पे केले ऑलरेडी उग रहे हैं वहां तो पत्ते गिरेंगे, पर जहाँ केले उग ही नहीं रहे वहां पे पत्ते क्यों गिरे हुए हैं, वहां तो पत्ते नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है वहीं पे खड्डे हैं दो तो बड़े वो भी. चलो गाइस, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि बाय चांस मैं जंगल में फंस जाऊंगी तो मैं अपना छोटू सा दिमाग लगा के निकल जाऊंगी, मैं सर्वाइव कर लूंगी. अनलेस भूत हो, अगर भूत हो तो मैं तो गई. तीन बिजनेसमैन की एक रेस्टोरेंट में मीटिंग चल रही थी. ओके. मेहुल को खबर मिलती है कि इनमें से किसी का खून होने वाला है. ओ. वेटर टेबल पे तीनों का खाना लेके आ जाता है और टेबल पे रख देता है. मेहुल तुरंत टेबल पे पहुंचता है और तीनों के खानों को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि किसके खाने में जहर हो सकता है. कैसे, मेहुल को ये कैसे समझता है कि कौन से खाने में जहर हो सकता है, ए बी या सी, किसके खाने में जहर. ओके गाइस, सबसे पहली बात तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से तो भैया तीनों बिजनेसमैन के भाई वो रखे हैं कि भैया किसी एक को पॉइजन करा, तो पॉइजन किस में हो सकता है. एक फोक, एक ये है बी, मे बी आई डोंट नो, कॉज बी की चम्मच ऑलरेडी गंदी हो रही है, आई डोंट नो. खाना वेटर अभी फ्रेश लेके आया था तो तीनों स्पून क्लीन होना चाहिए थे. लेकिन बी की स्पून में देखिए, हाँ ऑलरेडी गंदी हो रही है, मतलब स्पून को ऑलरेडी बाउल में डिप मिक्स करा है, हो सकता है इसे जहर मिलाने के लिए किया गया हो. करेक्ट. तो देखा गया, इतना इतना बड़ा ब्रेन है, मैंने दो रिडल्स कबाब बका बिल्कुल ही ऑन स्पॉट निकाल के दिखा दिया. आप लोग ने कितने सॉल्व करे नीचे बताते जाना, हाँ, और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, आगे बढ़ने से पहले लाइक करो. ओके. अमित अपने फोन से पिज्जा ऑर्डर कर देता है. पिज्जा ऑर्डर करते टाइम उसकी फोन की बैटरी लो थी, जो हमेशा ही पिज्जा वाले का फोन आता है. एक नंबर के भिखारी, ये तो राहुल है फर्स्ट वीडियो वाला. आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को, मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है. उसे बताता है कि सेकंड फ्लोर पे आना है, वहाँ दो डोर है, उसमें से एक डोर स्टोर रूम का है. उतने में ही फोन कट जाता है. oh no. अमित का फोन डिस्चार्ज हो जाता है. भाई चार्जर मेरे को ये बताओ, उसका फोन बैटरी खत्म होने वाली है, वो घर पे बैठा है पर वो अपना फोन चार्ज पे नहीं लगा रहा, उसका ऐसे भी लाइक ओ शिट मेरा तो फोन ही गया रे गया, मैं क्या करूं. अब बेचारा जो नीचे बेचारा डिलीवरी करने आया, उसको अपना ब्रेन लगाना पड़ेगा कि भैया कहाँ जाके डिलीवरी करनी है, ये कौन सा मजाक है, बट कोई बात नहीं, लेट्स सी. उसे वहाँ डोर दिखते हैं, अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा घर अमित का है. क्या आप दोनों डोर को देख के बता सकते हैं कौन सा डोर अमित का है, ए या बी? ए घर होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला कि जो दो दूसरा डोर है वो स्टोर रूम है और स्टोर रूम के बाहर घंटी नहीं होगी, ए के बाहर घंटी लगी हुई है, तो मोस्ट लाइकली तो ए ही हुआ घर. पर बीचों बीच एक स्पाइडर वेब भी है, बट फिर भी ए ही होगा.
चलिए इसका आंसर देखते हैं। दोनों डोर को ध्यान से देखिए। डोर ए में डोरबेल लगी हुई है। अब स्टोर रूम में डोरबेल तो नहीं रहेगी, मतलब घर ए ही अमित का है। पिज्जा बॉय डोरबेल बजाता है और अमित को पिज्जा दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित और रितेश खेल रहे थे, तभी बॉल जाके रोहित की आंखों में लगती है। रोहित चिल्लाने लगता है। आवाज सुन के रोहित के पापा भी वहां आ जाते हैं। वो एक डॉक्टर है। वो रोहित को देखते हैं और रितेश से कहते हैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, दवाई लेके आ जाओ। रितेश भागता हुआ स्टोर रूम में जाता है तो उसे वहां सामने चार दवाइयां दिखती है। रितेश कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मुझे को ये बताओ, ये इतने सारे सामान के साथ में दवाइयां क्यों रखी हैं, कौन सी दवाई लेके जाना चाहिए, ए बी सी या डी। उसकी आंख में लगी है तो ऑब्वियसली आई ड्रॉप डी होना चाहिए, क्योंकि आंखों में डालनी है ना, उसकी आंखों में लगी है तो ऑब्वियसली बात है आंखों का ब्लड शॉट हाइड्रेशन में कुछ ना कुछ डालनी पड़ेगी, तो डी होनी चाहिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए और बी तो सिरप की बॉटल है, आंखों में सिरप तो डाल नहीं सकते, सी टैबलेट है, डी ड्रॉप्स दिख रहे हैं तो आईज में यही डाल सकते हैं। रितेश ड्रॉप्स उठाता है और सीधे रोहन के पास लेके जाता है। ड्रॉप्स को रोहन की आंखों में डाल देते हैं जिससे उसे आराम मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। उन्होंने ड्रॉप ऐसे डाले जैसे केचप डाल रहे हो। स्टाइल है बाबू भैया राजू का। महल में चोरी हो जाती है। राजा के महल में ऐसे चोर आते हैं। शनि को तीन लोगों पे शक जाता है। राजा जादूगर पंडित को बुलाता है और कहता है, ओ माय गॉड, जिसने चोरी की है जादुई जल की शक्ति से उसकी मुझे कल दोगुनी हो जाएगी। बस मुझे ये जादुई जल ला के दे दो, सच्ची बता रही हूँ, मैं इतने लोगों के मुंह से झूठ का सच निकलवा दूंगी, मैं सच बता रही हूँ। मतलब ये जादुई जल ऐसा जिससे लोगों की मूछ उग जाएगी, बेचारे जिनकी मूछ नहीं उगती उनके लिए भी काम आ जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पंडित तीनों को जल पिला देता है, जैसे कि चिंजुत्तू तेरे को भी ये जादुई जल पीना चाहिए, तेरी भी मूछे बड़ी हो जाएगी। आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी बात है, आप फरिश्ता है सर। अगले दिन तीनों वापस महल में आते हैं। तीनों को देख राजा तुरंत समझ जाता है कि किसने चोरी की है। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं? सोच बस, अब मुझे बस वो समझ नहीं आ रहा, लास्ट वाला जो बंदा था उसकी बड़ी मूछे थी और अब उसकी छोटी हो गई है, तो मोस्ट लाइकली तीसरा ही चोट्टा है, और एक तो उसने जो गले में पहन रखा ना वो वैसे ही चोरों वाला स्टाइल है, लल्ला वाला स्टाइल। चोरी है तीसरे वाले ने की है, इसकी मूछे कल तो बड़ी बड़ी थी लेकिन आज देखिए आधी हो गई है, जरूर इसने मुझ काट ली, ये सोच के कि कल मुझे दोगुनी हो जाएगी। सैनिकों से पकड़ लेते हैं। क्या गुंडा बनेगा रे तू? चलिए अगली पहेली। बस तो इस तरीके से थोड़ी निकला। रमन अपना टिफिन टेबल पे रख के वॉशरूम चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका टिफिन पूरा खाली है। ऐसा रोज होने लगा था। रमन का टिफिन चुरा के उसे खाली कर दिया करता था। रमन ने टीचर को भी कंप्लेन की, फिर भी चोर नहीं सुधरा और उसे रमन का टिफिन चुराना कंटिन्यू रखा। बाय चांस टीचर ही चुरा रहा है तो कितनी फनी बात आ जाएगी। क्या बोला तूने? कि कैसे समझे चोर कौन है? रमन क्या कर सकता है जिससे उसे समझ जाए चोर कौन है? बस अब ये मेरे सॉल्व नहीं होएगा। बार बार झूठ बोलो कि कुछ ऐसा खाने में मिला लो जिससे जो भी चुरा रहा है उसको पता चले। खाने में पेट खराब होने वाला पाउडर मिला दिया। मैंने बोला ही था वेल डन कि कुछ ऐसा सामान डाल दो। बेंच में बैठने वाला रोहन हर थोड़ी देर में वॉशरूम जा रहा है। बस रमन उसी से उसने पेट खराब करने वाली दवाई डाल दी और जिस जो चोर था और जो खा रहा था उसका काम हो गया, वो बार बार वॉशरूम जाता उसको पता चल गया। माँ ए की डेथ हुई है 2015 में, माँ बी की डेथ हुई है 2018 में और माँ सी की डेथ हुई है 2020 में, तो सोचिए और मुझे बताइए तीनों भूत में से कौन सी बच्चे की माँ है, ए बी या सी। 2015 वाले की तो हो ही नहीं सकता, 2018 वाले का भी नहीं होना चाहिए, 2020 वाले का ही होना चाहिए। बच्चा एक साल से छोटा दिख रहा है, मतलब सी वाली ही इसकी मम्मी होगी, ऐसी करेक्ट। इस तरीके से मैंने सारी पहेलियां सॉल्व करी, लाइक मेरा ब्रेन, क्या बताऊं मैं कौन है वो जीनियस जिसका नाम ले सकती मैं, आइंस्टाइन? नो, आइंस्टाइन जैसे बाल मेरे पहले थे अभी मेरे बाल थोड़े से दूसरे किसी साइंटिस्ट जैसे लग रहे हैं, तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा शार्प है भैया। इस चीज में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं रिडल्स इतनी इजीली इतने अच्छे सॉल्व करवाऊंगी, मैं और रिडल्स सॉल्व करूंगी। अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जहां से मुझे रिडल्स मिले हैं वहां का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आपको वहां जाके चेकआउट करना चाहिए अगर आपको और रिडल्स देखने हो तो, बिकॉज वहां पे बहुत सारे सारे और बहुत अच्छे अच्छे रिडल्स पोस्ट करते हैं वो। सो या मेक श्योर दैट यू चेक देम आउट, एंड या वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरा ब्रेन साइज पसंद आया तो भी लाइक कर देना कि मैंने कितनी एक्यूरेसी से सारे सॉल्व करें, लाइक देख पा रहे हैं मेरे ब्रेन से निकलती हुई मैथमेटिक्स और इन सब चीज़ों की साइंस देख पा रहे हो, तो ये सब लगा लगा कि मैंने सॉल्व किया, ठीक है, तो काबिल तारीफ है, तो नीचे एक ताली जरूर मार दियो अगर आप लोगों को मेरा सॉल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो तो। या सब्सक्राइब कर देना। नाउ आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जाओ भी कोई दूसरा वीडियो देखो, मेरा देखना पड़ेगा।